दोस्तों इस वक्त हम पहुंचे हैं सीधा चंदन पीर दरबार पे। हमारे साथ बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी हैं, तो उनके साथ आज हम यहाँ दरबार पर भी जाएंगे और उसके बाद एक गोपे पे भी खाने पीने का और गपशप का माहौल बनाया गया। तो साथ साथ चलेंगे तो आपको वो सब दिखाते रहेंगे। जुल चन्नड़ पीर दे दर्दे जल जोल फकीर अमीर खड़े कुल चन्नड़ पीर दे दर्दे मुल चन्नड़ पीर दे दर्दे दिल सोच हमेशा पावे दिन मुल चन्नड़ पीर दे दर्दे हर कम है थी दावे ते यहाँ आसई शाम सवेले शाहीन अपा सब कठे थी जुलो चन्नड़ पीर दे में ये देखें ये चन्नड़ पीर के मज़ार पे एक जो रिवायती चीज़ आ रही है वो ये है कि जो भी लोग यहाँ पे मनते मानते हैं वो आते हैं यहाँ पे अपनी एक इस तरह की टाखी बांध के जाते हैं और जब उनकी वो जो मुराद होती है पूरी हो जाती है तो आके यहाँ पे जो उन्होंने मन्नत मानी होती है वो पूरी करते हैं। उसके बाद वो अपनी जाना ये चीज़ जाना उतार के जाते हैं। तो ये यहाँ का एक ये भी रिवायती आ रही है ख़ास कर ये चन्नड़ पीर के दरबार की कि यहाँ पे मन्नत मानने का ये भी एक तरीका है। लोक हमेशा वे दिन मलता दे दिल अट्टे घट्टे पदरी दुदरिया नजर नियाज वडे दिन खर्च करे दिन हिंदी सिंधी चौल सताने जग जग सीस निवेदन मने दिल हैन दिल सोज एता ते सादे गल पैलाज पले दिन करम करे दिन चन्नड़ पीर तू आया दिल ते मतलब पाते चन्नड़ पीर तू سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم مسلما كثيرا كثيرا وشبه بكرة مصيرا ربنا ظلم
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. بادشاہ جرم مارا درگزار ما گنہ گاریم تو آمرزگار. تو نکو قاری و ما بد کردائیم جرم بے اندازہ بے حد کردائیم صالحہ دربند اسیاں کشتائیم سپردیں بطو ما یا خیش رات. یا الہ العالمین تمامی کو تمام دنیا وشنے تو نجات تا فرما. یا الہ العالمین اندھی حاضر اپنے بلی دی بار کے منظور کو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. जी दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम चंदन पीर के बाद हम एक गोपी पे जाएंगे, तो अभी हम गोपी में पहुंच गए हैं। यहाँ पे खाने पीने का जो है ना बिल्कुल ताज़ा खाना तैयार होगा। अभी सामने दोस्तों को फ्रूट जो है ना पेश कर दिए गए हैं, वो फ्रूट खाने में मसरूफ़ हैं, तो आइए आपको भी फ्रूट खिलाने के लिए ले चला है। बस बिरहूं दीवादियां आ मिल मही मैं ता मादियां आ मिल मही मैं ता मादियां खेड़े दुश्मन वेड़े सस निनाने करे मुख। ओए यार थक गया हूँ अब्दुल्ला। ये देखो दोस्तों, मैं अब्दुल्ला के लिए ये फ्रूट लाया हूँ और केले लाया हूँ, तो ये दो दो हैं, तो एक अब्दुल्ला खाएगा एक मैं खाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम चंदन पीर के लिए निकले हुए हैं, तो अभी हम पीछे आपको दिखा चुके हैं दरबार पे गए थे, तो अब हम ये डेजर्ट का इलाका है जिसे चोलिस्तान कहते हैं, वहाँ पे मौजूद हैं। ये रेत के टीले आप देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, जो कि चोलिस्तान की एक ख़ास पहचान है, शनाख्त हैं। तो यहाँ ये सामने हमारे वो खाने पीने का अरेंज जो है ना वो जारी है। रियाज बलोच साहब भी और सलीम चौधरी साहब वो उसको पका रहे हैं, बाकी दोस्त घूमने फिरने के लिए लगे हुए हैं। तो आज हमारा मेन मकसद ये था कि आपको एक चोलिस्तान का कुछ इलाका जो है ना दिखाया जाए। बहुत सारा काम हुआ है चोलिस्तान पे, हर किसी का अपना एक अंदाज़ है, तो मैं और अब्दुल्ला जो है ना आपके लिए एक अपने अंदाज में ये आज ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इसके बाद खाना पीना जो होगा वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। दोस्तों से गपशप भी होगी और देखेंगे अगर माहौल कोई आपको हंसाने का हुआ तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये कई दिनों के बाद, महीनों के बाद हम आज फिर चोलिस्तान में मौजूद हैं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार चंदन पीर का दरबार देखा है और बहुत खुशी हुई, उसे अपने कैमरे की आंख से उसे एक्सपोज भी किया। और अभी हम चोलिस्तान में हैं, यहाँ पर रियाज अंकल और सलीम अंकल मिलकर एक बहुत ही प्यारा खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उनके खाना पकाने तक हम ये वसी और इस सहरा को इंजॉय करें। हम कभी भी हम इसे मुकम्मल तक एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वक्तन फवक्तन हम हमेशा कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम हम हर दिल बोले पाकिस्तान जो हमारे तरनजीत सिंह थे और हसन हयात साहब थे, उनके साथ हम आए चोलिस्तान में। हमने
इंडिया बॉर्डर तक हमने ट्रैवल किया। उसके बाद फिर हम एक वेलफेयर थी जिन्होंने चोलिस्तान में राशन तकसीम किया, उनके साथ भी हम चोलिस्तान में हमने काफ़ी डीप में जाके ट्रैवल किया। आज फिर हम आए हुए हैं चोलिस्तान, चनन पीर का ये सारा एरिया है। सामने सामने देखें तो हल्का धुंधला सा आपको नज़र आता है चनन पीर। तो ये मेरे दोस्त मियाँ जमील साहब का डेरा है। मियाँ जमील साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले माजरत की कि वो कहीं गए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगे तो इंशाल्लाह दावत पक्की है। तो अभी इंशाल्लाह देखें कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितना खूबसूरत नज़ारे दिए हैं। ये सहरा देखें, पहाड़ देखें, दरिया देखें, सब अपनी जगह कमाल है। अगर हम इस फिरान रोही को, इस रेत को देखें जिसे दरियाए हाकड़ा की तहजीब भी कहा जाता है, यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आज से हज़ारों साल पहले या किसी ज़माने में यहाँ क्या आमदोरफ्त रही होगी, क्या यहाँ पर शान शौकत रही होगी। आज तो ये खाली आपको रेत के टीले नज़र आते हैं, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ भी दरिया बहा करता था। और चोलिस्तान के वसी और इस जिसे कहते हैं कि इलाके में ऐसे कई कले मौजूद हैं जो अपने माजी की याद ताज़ा कराते नज़र आते हैं, जिनमें से अजीम तो किला ड्रावर ही है। तो उससे भी कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन अभी आज हम यहाँ रोही में आए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर तक खाना भी खाएंगे इंशाल्लाह, वो और भी मज़ा आ जाएगा। आयो,